Music tester. So again, I welcome you all. This is lecture about nutritional management of livestock during a scarcity. This means how you feed animals during a scarcity period, during adverse situation. It may be flood, it may be drought, or it may be any adverse situation where feeds are not in ample quantity, not in optimum quantity, and not in balanced way. So next one is, if you try to feed animal, you need to have assess of the situation. If you talk about situation in Bihar, Bihar is prone to flood. कई बार आप फ्लड के बारे में बात करते हैं, कई बार ड्राउट के बारे में, सुखार के बारे में बात करते हैं, तो आई विल बी मोर कंसंट्रेटिंग ऑन फ्लड. फ्लड एंड ड्राउट में फर्क इतना ही है, इनकी सब ड्राउट सिचुएशन यू हैव एसेस टू अदर सिटी. अगर किसी एक शहर में हुआ है तो दूसरे सिटी से, शहर से आप फीड को या उसके जो और भी साधन है उसको आप फीड पहुंचा सकते हैं. बट इन केस ऑफ फ्लड यू हैव ग्रेट यू हैव डिफिकल्ट टू सेंड एनी फीड मटेरियल टू दैट अफेक्टेड एरिया. तो इन केस ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज जिसको आपदा कहते हैं, लाइक फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, इट प्रोड्यूसेस स्कार्सिटी ऑफ फीड एंड फीड प्रोडक्ट. फ्लड फ्लड के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या है. फ्लड और ड्रॉट में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, फ्लड में क्या होता है, ड्रॉट में क्या हुआ कि कोई, ठीक है, कोई भी जो वेजिटेशन वो सूख गया या जल गया, जो कुछ भी अवेलेबल है, अगर सूखा हुआ भी है तो खिला सकते हैं. बट इन केस ऑफ फ्लड सिचुएशन आपके पास तीन तरह की समस्या आती है. पहली समस्या क्या होती है, जो कुछ भी फ्लड, जो कोई भी फ्लड अफेक्टेड एरिया से आ रहे होंगे, जो कोई भी फ्लड अफेक्टेड एरिया से आ रहे हैं उनको पता होगा कि एक स्टोरेज जो कहते हैं, जिसको आप पुआल कहते हो, जिसको आप पैडी स्ट्रॉ कहते हो, उसको क्या किया जाता है, एक हिप में बना के रख दिया जाता है किसी ऊंची जगह पे. और हिप में बना के रखने का मतलब यही है कि थोड़ा सा ऊंची जगह पे रखते हैं, और जब वो सीजन खत्म हो जाता है तो उसी से वो एनिमल को फीड कराते हैं, जिसको पुआल या भूसा कहते हैं. जब फ्लड आता है तो जब पानी होता है तो कई बार आपने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा हिप जो है वो बह जाता है, ऑनर उसको फिर यूज नहीं कर पाता है. दिस मीन कि जो स्टोर मटेरियल था फार्मर्स के पास वो खत्म हो गया. सेकंड क्या है कि जो वेजिटेशन है, सपोज करिए कि किसी के पैडी है, व्हीट है, या कोई भी चीज़ लगा हुआ, कितना भी कीमती पौधा लगा हुआ है, तो वो मजबूरी में उसको काट के खिला सकता था एनिमल को. लेकिन फ्लड के दौरान क्या होता है कि पूरा कपड़ा पानी के अंदर चला जाता है, और पानी के अंदर जब चला जाता है तो उसको वो काट नहीं सकता. तीसरी समस्या क्या होती है कि वो जो पानी होता है वो जल्दी जल्दी रिसीड नहीं करता है. यूँ नहीं कि आज आया तो कल निकल जाए तो समस्या दूर हो जाएगी. तो ये समस्या क्या होती है कि वो दो तीन दिन, चार दिन या समझो महीना भर रहता है, और तब तक क्या होता है कि वो उसमें फंगस ग्रोथ हो जाता है, सड़ जाता है. दो चीज़ हो गई, पहली समस्या जो स्टोर्ड मटेरियल था वो खत्म हो गया, दूसरा चीज़ जो आसपास में वेजिटेशन था वो खत्म हो गया, और तीसरी समस्या क्या होती है कि बाढ़ के दौरान जो कनेक्टिविटी है वो पुअर हो जाती है. कई बार आपके गाँव या सड़क टूट जाती है, कोई भी आवागमन होता है, और कोई भी बाहरी सहायता वहाँ पर नहीं जा पाती है. ह्यूमन के केस में तो हेलीकॉप्टर या किसी भी चीज़ से हम खाना पहुंचा देते हैं. बट एक समस्या जो बनी रहती है कि ये तीनों की तीनों समस्या, यानी कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो जाते हैं. ये मैं बता रहा था कि इसमें क्या क्या होता है. तीसरा चीज़, एक और जो इशू है, दिस इज पॉल्यूशन ऑफ वाटर विद. पानी चारों तरफ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या ये होती है कि पीने का पानी नहीं होता है, जिसको आप पोर्टेबल वाटर कहते हैं, कि पीने वाला पानी आपके पास अवेलेबल नहीं होता है. तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें मड मिला हुआ, यूरिन है, डेब्रिस है, और जो कई बार एनिमल मर जाते हैं, कारकस है, कारकस उस पर तैरता रहता है. तो ये दोनों तरह की समस्या आ गई, फीड की भी और वाटर की भी. ऐसे कंडीशन में क्या आप करेंगे कि आप एनिमल को फीड कराएं. There are some techniques कह लो या यू कह लो कि सब आपके स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नॉट टेक्नोलॉजी, इट शुड बी टर्म एज स्ट्रेटजी टू बी ऑप्टेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर फ्लड. फर्स्ट वन इज कम्प्लीट फीड ब्लॉक, यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक, यूरिया ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉ, यूज ऑफ ड्राई एंड फॉलन ट्री लीव्स, यूज ऑफ अनकन्वेंशनल फीड रिसोर्सेज. फर्स्ट वन इज जो बहुत ही ईजी है. एक चीज और आप क्लियर हो लीजिए, इन स्कार्सिटी या कभी भी
इवन अपने नेचुरल अपने जो एक नॉर्मल लाइफ होती है उसमें भी देखा होगा, स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करना, बाढ़ आ जाएगी तो ये करना, सुखाड़ आ जाए तो ये करना, तूफान आ जाए तो ऐसे बचना, साइक्लोन आ जाए तो ऐसे बचना, भूकंप आ जाए तो ये बचना, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। लेकिन जीवन में भी देखा होगा कि जब ऐसा कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो वहाँ पे दो ही चीज़ें काम आती है, वो जो आपके पास अवेलेबल है। मैं अभी फ्लोरिडा से आपको बात करूँ कि यहाँ पे एनिमल को उठाने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीन है, कचरा उठाने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीन आती है। ह्यूमन दो ही होते हैं, एक ड्राइवर होता है और एक बस उठाने वाला होता है। लेकिन यही बात में अगर हम जाके करें तो वो संभव नहीं है। तो वही बात होती है कि जब स्कार्सिटी आपके पास होती है दो चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत जरूरत होता है, एक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड या आपका स्किल, और दूसरा जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उस समय तुरंत में कोई सहायता नहीं आएगी। तो फर्स्ट वन इज यूज ऑफ ड्राई एंड फॉलन ट्री लीव्स, कि आसपास में जितने भी पौधे हैं जितने भी ट्री लीव्स हैं उस ट्री लीव्स को यूज करें। जनरली जो भी हमारे ड्वेलिंग्स में होता है, जो भी हमारे पास पेड़ पौधे हैं वो ज़्यादा नॉन टॉक्सिक होते हैं, उस नॉन टॉक्सिक पौधे के पत्ते को खिला के हम एनिमल का गुजारा कर सकते हैं। ध्यान रखना है इन केस ऑफ रूमिनेंट, जो सबसे बड़ी बात है, रूमिनेंट की कैपेसिटी किसी को पता है कितना लीटर होता है, कोई बताएगा रूमिनेंट की कैपेसिटी? 50 लीटर, 8 लीटर अप्रॉक्स होता है, 8 लीटर नेता, 8 लीटर मतलब 8 लीटर रूमिन 100 से 250 दिन भर में कम से कम 100 लीटर पानी वो पी लेता। तो 8 लीटर वाले कैपेसिटी से कैसे होगा 150 लीटर पानी? लिखा है 100 लीटर होता है, 100 लीटर से प्लस 200 लीटर, ठीक है, 100 से 250 ग्राम में बताया था, ठीक है, 100 से 200 लीटर, ओके, हाँ, ठीक है, ये आपको अंदाजा है। अब इतने बड़े 100 से 200 सर, ओके, इस कैपेसिटी को फिल करने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए वो भी चाहिए, नहीं तो वो जो बैलून जैसा फुला हुआ रूमेन है वो चिपक जाएगा, और जब चिपक जाएगा तो जिसको आप कहते हैं जिसमें रूमेन एटोनी, यानी कि रूमेन काम करना बंद कर देगा। तो यही फर्क होता है कि इन केस ऑफ रूमिनेंट यू नीड टू फिट रफेजेस ताकि वॉल्यूम ज्यादा हो, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या होगा, रूमेन का फंक्शन होता रहेगा, इसलिए रफेजेस देना जरूरी है। तो क्या करें, जैसे आप देखो दिस इज ट्री ऑफ बैम्बू ट्री, दिख रहा है फर्स्ट वाला, दिस इज बैम्बू ट्री, इन केस ऑफ फ्लड, फ्लड आने के बाद भी इसमें चूंकि बड़े पेड़ पौधे होते हैं तो इसके आप लीव्स को खिला सकते हैं। दूसरा जो अच्छा फोटोग्राफ नहीं है, दिस इज बनाना ट्रंक, केला का थंब जिसको कहते हैं, अगर उस समय हमारे पास कुछ मौजूद नहीं है और वो केला का जो स्टीम बह रहा होता है तो उसको भी काट के हम चॉपिंग करके हम खिला सकते हैं। तीसरा जो है वो दिखाने की कोशिश किया है, चाहे वो बरगद का हो या कोई भी ट्री आपके आसपास हो, ये सारी चीज़ें किताबों में नहीं होती है, चूँकि ये पार्टिकुलर है, आपका एरिया स्पेसिफिक है कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं उसको यूज करके कैसे हम खिला सकते हैं। तो जितने भी, चाहे वो ड्राई हो या फॉलन ट्री लीव्स हो, उसको आप यूज कर सकते हैं, दैट टू इन मिनिमम क्वान्टिटी टू फिल द रूमेन टिल सिचुएशन गेट्स नॉर्मल। एक तो ये बात हो गई, दूसरी है अनकन्वेंशनल फीड रिसोर्सेज, अनकन्वेंशनल या कन्वेंशनल भी कह लो, जैसे पैडी स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ इज द मेजर, पैडी स्ट्रॉ मतलब इसको आप धान का पुआल कहते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में फीड कराया जाता है। लेकिन जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन आता है, तो जो लोग बाढ़ ग्रस्त इलाका से आते हैं उनको पता होगा कि बाढ़ तो नीचे, बाढ़ का पानी तो नीचे रहता है, ऊपर से बारिश भी होती रहती है, तो 2-3 दिन तक लगातार अगर बारिश होती रहेगी, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए बाढ़ आ रहा है, तो बारिश होने के कारण क्या होगा, आपके जो स्टोरेज मटेरियल है, जैसे ये पुआल है, ये भींग जाता है, भींगने के बाद इसमें फंगस ग्रो कर जाता है, और जब ये फंगस ग्रो करेगा तो एनिमल इसको नहीं खा सकता है, और खा भी लिया तो लीवर डैमेज हो जाएगा, डायरिया हो जाता है। तो पहला चीज़ है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कई बार ये अपने गाँव में भी बताइए, अगर कोई फ्लड अफेक्टेड एरिया से आ रहे हैं, क्या करते हैं लोग कि जितनी कोई भी जमीन पर ही इस तरह का हिप बना देते हैं, तो वो हिप नहीं, जमीन पे ना बना के, आप समझो कि जितना भी बड़ा एक बैम्बू का जो इसको आप कहते हो कि एक एलिवेटेड सरफेस हम बना देते हैं, या किसी को पता है कि हर एक साल में 5 फीट या 6 फीट पानी उसके गांव में आता है,
तो अगर वो फ्लोर पे बनाया या मिट्टी पे बना दिया हिप स्ट्रॉक, तो क्या होगा, बारिश का पानी से आएगा या बाढ़ का पानी आएगा, पूरा का पूरा हिप को लेके चला जाएगा। लेकिन अगर एलिवेटेड सरफेस पे बना के देंगे तो क्या होगा कि पानी नीचे से चला जाएगा और आपका जो स्टोरेज मटेरियल है वो बचा रह जाएगा। तो कई बार ये गलतियां लोग करते हैं कि जहाँ पे रहते हैं वहीं पे बना देते हैं। ऐसे कैसे हम मंजिला दो मंजिला घर बनाते हैं कि बाढ़ के दौरान लोग छत पे चले जाते हैं या ऊंचे बांध पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि वो वुडन सरफेस पे या बंबू का या किसी भी जगह पे जहाँ पे पानी ना पहुंचे वहां पे रखना चाहिए। तो क्या होगा कि ये उस दौरान आपके काम आ जाएगा। दूसरा एक और चीज है कि आगे बात करेंगे इसमें क्रॉप रेसिड्यू है जो कि कई बार की फंगस को रोकने के लिए जहां भी मॉइस्चर होगा और कार्बोहाइड्रेट है तो फंगस ग्रो करेगा। और जब ये फंगस ग्रो करेगा उस फंगस ग्रो करने के लिए फंगस को रोकने के लिए माइकोटॉक्सिन बाइंडर देते हैं, फंगिस्टैट देते हैं, तो उस समय हमें वो मिलेगा नहीं। वहाँ पे क्या करते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, नमक का गाढ़ा घोल बना के लेयर बाय लेयर हम स्प्रे कर देते हैं या सिंपली नमक को भी हम स्प्रे कर देते हैं। तो नमक से क्या होता है कि थोड़ा सा रुक तो जरूर जाता है फंगस का ग्रोथ जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर एग्रोनिस्टल बाय प्रोडक्ट पढ़ाया होगा तो कौन सा ट्री है, ट्री नहीं कह लो प्लांट कह लो, गन्ना ही है। तो गन्ना के तीन पार्ट होते हैं, इसमें डायग्राम नहीं बना पाया मैं। पहला है अगर नीचे देखो इसको स्टॉक कहते हैं जहां से आप जूस निकालते हैं, ठीक है। और जो ऊपर का पत्ता होता है उसको क्या कहते हैं, टॉप, शुगर केन टॉप्स, ठीक है, पता नहीं लिखा है कि नहीं इसमें, उसको कहते हैं। ये ऊपर का जो लीफ वाला पार्ट है उसको हम शुगर केन टॉप्स कहते हैं। तो एक तो स्टॉक हो गया और ये शुगर केन टॉप्स हो गया। तो ये शुगर केन टॉप्स को स्लाइड आ गया, शुगर इसके तीनों पार्ट को हम यूज कर सकते हैं। शुगर केन टॉप्स यानी कि ये ग्रीन पार्ट है, एज फॉर इज काम आएगा। दूसरा, जब हम जूस निकाल लेते हैं उसके बाद जो कुछ बचता है उसे क्या कहते हैं, बगासे, हिंदी में जिसको आप सिट्ठी कहते हैं। तो इस चीज को भी हम यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग स्कार्सिटी। जनरली इसको नहीं खिलाया जाता है, जो जिसको आप सिट्ठी कहते हो या बगासे कहते हो, बगासे में न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत कम होता है और थोड़ा बहुत जो शुगर कंटेंट है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन ह्यूमन को फिल करना है मेंटेनेंस राशन के रूप में, हम बगासे को यूज कर सकते हैं। इसका तीसरा एक प्रोडक्ट होता है जिसको आप मोलासिस कहते हैं, मोलासिस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट सोल्युबल कार्बेट उसमें बहुत ज्यादा होता है और वो बाय प्रोडक्ट है, तो एनर्जी सोर्स के रूप में उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक प्लांट्स। बाढ़ के दौरान ये तीन प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, जलकुंभी, ठीक है, वाटर हाइकेंथ, वाटर एसिंथ। नेक्स्ट वन इज ये लोटस है और ये जो आपका इसको पानी फल सिंघारा बोलते हैं, या आपके गांव के आसपास आपके घर के आसपास जिस भी एरिया में बाढ़ आ रहा है तो कुछ ना कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो कि स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। इसको हम निकाल के पानी से धो के, यूं कह लो कि इसमें कोई इस ऐसे सारे प्लांट्स की एक खास बात क्या होती है, ये सारे स्टेगनेंट वाटर में होते हैं और जो स्टेगनेंट वाटर में होगा तो क्या होगा, इसमें स्मेल आता है। इसलिए इसको कोशिश करनी चाहिए या तो पानी से धो लें अच्छे साफ पानी से, और ना भी हो तो इसको थोड़ी देर के लिए हम धूप में सुखा देते हैं, और धूप में सुखा देने के बाद इसका स्मेल खत्म हो जाता है। और जब स्मेल खत्म हो जाएगा तो एनिमल को हम फीड करा सकते हैं जस्ट टू फील द रूमेन। तो ये एक चीज हो सर, ये जलकुंभी खिलाने से तो सर एनिमल में डायरिया हो जाता है सर, चर्चा करेंगे आगे, क्या भी बता देते हैं वो एक परसिकोलॉजी में आप एक डिजीज पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा जिसको कहते हैं लीवर फ्लू। तो इसमें सावधानी क्या रखनी है, पहला चीज तो एक ध्यान में रखना है कि हमें एनिमल को सेव करना है, सेव इन दैट सेंस या तो भूखे मर जाए या डायरिया से मरे। तो यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि ये स्कार्सिटी फॉर्डर है, नॉर्मल फॉर्डर नहीं है। जब हमारे पास अच्छे कोई सोर्स है तो ये फीड नहीं कराएंगे, जब नहीं है तब ये फीड कराते हैं। तो इसका सिंपल सा जो मैनेजमेंट है वो ये कि ऐसे प्लांट पे आपका स्नेल होता है इस प्लांट पे, और स्नेल इज कैरियर ऑफ लिवर फ्लू,
फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, और लीवर फ्लू का अगर पेट में चला गया तो वो शूटिंग डायरिया करता है, ठीक है। बाढ़ ग्रस्त इलाके में जहाँ पानी वाला एरिया होता है वहाँ पे इस तरह की डिजीज बहुत होती है। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि स्नेल है तो स्नेल जब तक पानी रहेगा तभी रहेगा, इसको धूप में जैसे ही रखते हैं तो स्नेल निकल जाता है बाहर की तरफ, या फिर उसको फिर हम अच्छे से धार लेते हैं और तब फिट कराएंगे। तो स्नेल अगर नहीं होगा तो वो शूटिंग डायरिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल पानी है, 85% तक वाटर ही होता है, मात्र 15% ही ड्राई मैटर। क्लियर हो गया? डायरिया क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू लीवर फ्लू। लीवर फ्लू केवल डायरिया नहीं करता है, लीवर को भी डैमेज करता है, तो इसमें सावधानी ये रखनी होती है। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट फीड ब्लॉक। कंप्लीट फीड ब्लॉक ये एक तरह का, यू समझो कि किसी भी चीज को अगर हम डेंसिफिकेशन कर दें, डेंसिफिकेशन जैसे राइस स्ट्रॉ में डेंसिटी बहुत कम होती है, अगर आपको लोहा और या यूज कर लें कि मेज ग्रेन और राइस स्ट्रॉ में डेंसिटी किसकी ज्यादा है, राइस स्ट्रॉ और मेज ग्रेन किसकी डेंसिटी ज्यादा है, भारी कौन है? तो जब मेज ग्रेन का डेंसिटी ज्यादा होता है तो आप याद करो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जिस किसी का भी डेंसिटी कम होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है ना? अगर 1 kg रुई और 1 kg आप दूसरा कोई मटेरियल लेते हैं तो रुई का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है, उसके पीछे मात्र एक रीजन यही है कि डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा हो जबकि मास कम होता है। तो इस टेक्निक का जो कंप्लीट फीड ब्लॉक है उसका इतना ही मतलब है कि जो चीजें बहुत जगह छेकती है उसकी डेंसिटी को हम हाई कर देते हैं, ठीक है। ये अभी तो पैथोलॉजी के पीछे जो एक बिल्डिंग है उसी में मेरा एक प्रोजेक्ट था, वहीं का फोटोग्राफ है, वह फार्म में चला गया है, आप लोग देख लेना कभी, दिखा देना वहां पे। ये क्या है इसको समझने की कोशिश करो। पहला चीज की इसके बेनिफिट क्या है, ये वाला फोटोग्राफ देखो, पॉइंटर तो दिख रहा है ना वहां पे, पॉइंटर जो मैं कर रहा हूँ। तो जैसे कि जब कभी भी गांव वगैरह में देखे होगे कि लोग जब कैरी करते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भर लेते हैं, इससे एक्सीडेंट होता है। दूसरा, राइस स्टॉक कैरी करने की सबसे जो डिसएडवांटेज ये है कि कम जगह, ज्यादा जगह लेता है और मास कम वहां पे रख पाते हैं बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी। तो इसका जो मशीन है इसका इतना ही काम है, हम दिखाएंगे अभी प्रैक्टिकल में, इसका इतना ही काम है कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है एक ऊपर होता है, ऊपर का मतलब ये समझो भूसा है, भूसा को इसमें भर दिया, भरने के बाद ये दो पिस्टन होता है, दो पिस्टन ये क्या करता है, इसमें एक पिस्टन इधर की तरफ मूव करता है और दूसरा ऊपर नीचे मूव करता है। तो ये जो भूसा भरा था इसमें हम प्रेशर देते हैं PSI मशीन के थ्रू, ये मोटर है, मशीन है, इस मशीन के थ्रू प्रेशर देने के बाद जो लूज फॉर्म ऑफ राइस स्ट्रॉ था वो इस तरह से बन के तैयार हो जाता है, ये हमने बनाया है, इसी को कहते हैं कंप्लीट फीड ब्लॉक या फॉरेज ब्लॉक, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है इसमें, ये यही है कि किसी भी चीज को ये समझो ना कि आप कोई लूज फॉर्म है या रुई है, रुई को आप कई बार पैर से दबा दो तो क्या होगी, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, उस पर और ज्यादा प्रेशर दोगे तो और डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस मशीन का इतना ही काम है कि डेंसिटी को बढ़ा देता है और जो लूज फॉर्म राइस स्ट्रॉ था उसको इस फॉर्म में देता है। इसका मतलब ये हुआ, एक बोरी में अगर वो 5 kg ले जा रहा था ये 40 kg आएगा, डेंसिटी 8 times बढ़ा देता है। ये है, ये इसका मशीन है, स्ट्रक्चर बताने की कोशिश किया है क्या क्या होता है, ये प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप समझेंगे कैसे बनाते हैं। वो ये है इसका तरीका कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाने के लिए, इसमें रफेजेस भी मिलाते हैं और कंसंट्रेट भी मिलाते हैं, दोनों को मिक्स किया जाता है और इसमें एक बाइंडर देते हैं मोलासेस। फार्म में है, जब पोल्ट्री फार्म में जाएंगे ना अभी, तो पोल्ट्री फार्म में दाहिने तरफ मशीन रखा हुआ है, उसको सेटअप कराना था, मैं बीच में आ गया, आप देख लेना, ये जब मैं आऊंगा तो फिर ऑपरेट करके देखा दूंगा कि क्या है। तो इसमें क्या करते हैं कि रफेजेज और कंसंट्रेट, सपोज कर दिए कि 10 kg का ब्लॉक बनाना है या 1 kg का, तो रेशियो हम खुद मेंटेन करते हैं, 6:4 का रेशियो या 60:40 का रेशियो, और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और ये जो लाल वाला दिख रहा है इसमें मोलासेस है, मोलासेस विस्कोसिटी होती है ताकि वो बाइंड करे, करने के बाद इसका फिर पिस्टन के सहारे इस तरह से एक हम क्या कहते हैं, कुछ भी मिला सकते हैं इसमें, जो भी आप लिख चाहो।
दैट वाज अबाउट कंप्लीट फीड प्लॉट. फिर इसको इस तरह से हम रख सकते हैं. इसका इतना ही मकसद है, फायदे समझ लो कि क्या क्या होता है. ये डेंसिटी को बढ़ा देता है, तो डेंसिटी को बढ़ाएगा तो क्या होगा, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ले जाना आसान होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा. तीसरा चीज, एक सेलेक्टिव फीडिंग होता है एनिमल में. सेलेक्टिव फीडिंग का मतलब हुआ कि कई बार आप राइस स्ट्रॉ दे रहे हो, मेज दे रहे हो और चीजें, तो जो जो पैलेटेबल होगा वो उसको खा लेता है एनिमल पहले, और जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देता है. लेकिन जब इस तरह का ब्लॉक बना देते हैं तो वो कंपेल हो जाती है एनिमल कि उसको खाना ही खाना है. इनटेक बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा, रूमेन का एनवायरमेंट ठीक हो जाएगा, लॉसेस कम होंगे. ठीक है, इसका स्कार्सिटी के दौरान यही मतलब है कि ले जाना बड़ा आसान है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, स्टोरेज आसान है. एक जो आपके पास कमरा छोटा भी है तो वहाँ पे आप भूसा जितना रख सकते थे उससे 8 से 10 गुना ज़्यादा रख सकते हैं. यही है ये कुछ इसके रिसर्च डाटा है. एनिमल को खिलाने के बाद क्या क्या होता है, हर एक एनिमल को आप रूमिनेंट को खिला सकते हैं. ये CSWRI का है कि पेड़ को कैसे खिलाना है, ब्लॉक में, ब्लॉक फॉर्म में खिला सकते हैं. ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, फिर संजय जी का क्लास होगा. दूसरा है यूरिया फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक. यूरिया का क्लास भी लिया था आने के पहले, और सोनी ने शायद नोट्स भी बनाया है. तो यूरिया फीडिंग ऑफ जो NPN सब्सटेंस का है, यूरिया का सिंपल प्रिंसिपल है, यूरिया अपने आप में न्यूट्रिएंट है, लेकिन यूरिया एज सच, क्योंकि नाइट्रोजन का सोर्स होता है, यूरिया एज सच काम नहीं करता है एज न्यूट्रिएंट इन रूमिनेंट. ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है विद द एक्शन ऑफ यूरिएज एंजाइम, और यूरिया को रूमिनेंट में दिया जाता है एज NPN सब्सटेंस. और इसका रिकमेंडेशन है 1% ऑफ टोटल डाइट एंड 2-3% इन कंसंट्रेटेड मिक्सचर, जबकि BIS रिकमेंड करती है 1%. ये मेथड आने से पहले भी बताया था कि यूरिया, देखिए आप जो स्ट्रॉ खिला रहे हो उसमें CP परसेंटेज मात्र 2-3% है, और प्रोटीन रिक्वायरमेंट या यूं कह लो कि फॉडर में जो प्रोटीन उसको चाहिए होता है 10-12%, 15% तक. तो 4 kg यूरिया, 40 लीटर वाटर, 100 kg स्ट्रॉ में इसको हम स्प्रे कर देते हैं. करने के बाद इसको हॉट सीजन में 3 वीक्स तक, और इनकी सब कोल्ड सीजन 4-5 सप्ताह तक उसको हम प्रेस करके रख देते हैं. और प्रिंसिपल बिहाइंड इज कि अमोनिया फाइबर को ब्रेक करता है, उसकी रेजिस्टिबिलिटी को बढ़ाता है और उसकी पैलेटिबिलिटी को बढ़ाता है, और साइड बाय साइड नाइट्रोजन को इंपिग्नेट कर देता है एज अमोनिया. इट लीड्स टू इंक्रीजिंग प्रोटीन लेवल. तो एक एग्जाम्पल है कि जब आप यूरिया से ट्रीटमेंट करते हैं थ्राइस स्ट्रॉक, 10% प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है. पहले कितना होता था, 1-2%. पैलेटिबिलिटी बढ़ जाती है, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, ह्यूमन डिग्रेडेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और इसके कारण फंगस ग्रो नहीं होगा. जब आप अमोनिया से ट्रीट कर देते हैं राइस स्ट्रॉ को, क्योंकि मॉइस्चर भी होता है, 40 लीटर आपने पानी मिलाया, फिर भी फंगस ग्रो नहीं होगा अनलेस अनटिल आप उसको खुला छोड़ें, और इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है. नेक्स्ट वन इज यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक. ये भी रेडी में भी लिखा हुआ है, ये IVRI का फार्मूला है, इसको आप एनिमल चॉकलेट भी बोलते हैं या बफेलो चॉकलेट भी बोलते हैं. इसमें क्या क्या मिलाते हैं, एक चीज याद होगा आपको, 2-3 चीज बताया था कि सल्फर और नाइट्रोजन का रेशियो कितना होना चाहिए NPN सब्सटेंस के यूटिलाइजेशन के लिए. एनीवन? 10:1 याद रखना, 15 नहीं याद रखना, 10:1 नाइट्रोजन टू सल्फर रेशियो शुड बी 10:1. और एक चीज और बताया था कि नाइट्रोजन टू सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट का क्या होना चाहिए रेशियो, नाइट्रोजन या यानी यूरिया टू सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट 3:1 काफी है. देखो 45% मोलासेस मिलाया, 15% यूरिया मिलाया, मिनरल मिक्सचर. इसका नाम ही होता है यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक, बहुत फेमस है, कई बार पूछा जाता है स्कार्सिटी पीरियड में इसका बहुत यूज हो सकता है. 15 kg यूरिया, 45% मोलासेस, कॉटन सीड केक, या कई बार आप व्हीट ब्रांड भी मिला सकते हैं या कोई भी केक मिला दीजिए. कॉमन सॉल्ट 8%, कैल्साइट पाउडर 4%, सोडियम बेंटोनाइट क्या है,
बाइंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट की तरह। तो ये 100 केजी हो जाता है, बन जाता है। उसके दो प्रोसेस होते हैं, कोल्ड प्रोसेस एंड हॉट प्रोसेस। किसी भी तरह से आपको ईंट की तरह इसको बना देना है, प्रेस कर देना है। ये लकड़ी का बना हुआ है, अच्छा होता है, मशीन से भी बनाते हैं। और इसके बाद इसको ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के बाद एनिमल को हम फीड करा सकते हैं। और इसके कंपोजिशन को देखने से आपको मालूम चल जाएगा कि यूरिया नाइट्रोजन का सोर्स है, ये एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद मिनरल मिक्सचर बहुत ज़्यादा है, ये मिनरल विटामिन का सोर्स हो जा रहा है, प्रोटीन एडिशनल हो जा रहा है, और ये बाइंडर की तरह। स्कार्सिटी पीरियड में इसको हम खिला सकते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन आल्सो, अगर प्रोटीन एंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट कभी कभी कम होती है, तो वहाँ पे हम एनिमल को ये लीक कराते हैं। ध्यान रखना, ये चॉकलेट की तरह है, पूरा भरपेट नहीं देते हैं। इसको लीक कराने के लिए एनिमल को फीडिंग के बाद हम रख देते हैं, और अपने हिसाब से वो लीक करती है। किसी भी एनिमल को हम खिला सकते हैं, रूमिनेंट को रेदर तरीका होता है। कई बार पूछा जाता है कि कितना, तो 2 kg का ब्लॉक जो है वो 5 दिन चलता है, यानी कि आप ये समझ लो कि 1/2 kg इज मोर देन सफिशिएंट फॉर 1 डे। इतना करने से जो एनर्जी प्रोटीन की डिफिशियंसी या मिनरल की डिफिशियंसी है, उससे पूरी हो जाती है। इसके बेनिफिट्स हैं, मिल्क यील्ड बढ़ जाता है। पाइका याद है, व्हाट इज पाइका? फास्फोरस डिफिशियंसी। फास्फोरस डिफिशियंसी सो टाइम प्लास्टिक वगैरह डेब्रिस खाना स्टार्ट कर देता है, उसको हम कहते हैं पाइका। तो क्यों फास्फोरस का डिफिशियंसी पार्टिकुलर है, तो फास्फोरस की डिफिशियंसी को कम करने के लिए हम इसमें ये चीजें लाते हैं, ताकि पाइका करेक्ट हो जाए, या और भी कोई मिनरल डिफिशियंसी। इवन यूरिया मोलासेस मिनरल ब्लॉक का रोल है आपको रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। तो जो डिफिशियंसी है, उस डिफिशियंसी के कारण जो रिप्रोडक्टिव फेल्योर या एनी स्ट्रेस या रिपीट ब्लीडिंग होती है, उसके लिए भी इसको यूज करते हैं। तीसरा है यूरिया मोलासेस लिक्विड फीड। यूरिया मोलासेस लिक्विड फीड, ये जब महाराष्ट्र में एक बार सुखाड़ आया था 1970s के आसपास या 63 में, तो वहाँ पे ये एक कंपोजिशन डेवलप हुआ था कि इन स्कार्सिटी पीरियड हम क्या करते हैं, ये यूरिया को मोलासेस के साथ मिक्स कर देते हैं। यूरिया है 2.5%, पानी में उसको फिर मिक्स करते हैं। मिनरल मिक्सचर 2%, कॉमन साल्ट 1%, मोलासेस 92%। ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी का सोर्स देते हैं, और ये विटामिन्स का कोई भी सोर्स 25 ग्राम मिक्स कर देते हैं, और इसको एक लिक्विड बना लेते हैं। और लिक्विड बना लेने के बाद इसको हम एनिमल को ड्रेंच करते हैं। इसमें जो आपने कंपोजिशन देखा था ब्लॉक में, ऑलमोस्ट वही है, यूरिया भी है, मोलासेस भी, मोलासेस चूंकि ज़्यादा होता है, ताकि कंट्रोल कर रहा है। तो यूरिया मोलासेस का यूज स्कार्सिटी पीरियड में बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा, सुगर केन के जो टॉप्स हैं या बगासे हैं या मोलासेस हैं, इस तरह से आप एनिमल को स्कार्सिटी के दौरान फीड कराकर सेव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनपीएन सब्सटेंस का, यूरिया की बात बहुत हो गई, तो यूरिया टॉक्सिसिटी के सपोज करो, या तो आप जो एरिया यूरिया फीड करा रहे हो, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आप यूरिया पढ़ के जाओगे और फील्ड में करना चाहोगे तो कोई भी ऑनर तैयार नहीं होता, उस पर ये लगता है कि हमारी गाय मर जाएगी। तो उसके कौन कौन से कारण होते हैं? फर्स्ट वन इज इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ एनपीएन, मतलब याद होगा अगर, या नीचे लिखा हुआ है कि एक दिन में एक एनिमल को 116 ग्राम से यूरिया ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो जो कुछ भी चाहे वो यूरिया ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रॉ हो, चाहे वो लिक्विड यूरिया, लिक्विड यूरिया मोलासेस हो, या फिर यूरिया मोलासेस ब्लॉक हो, जहाँ कहीं भी मिलाएंगे वहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। इम्प्रॉपर मिक्सिंग होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया एट पार्टिकुलर टाइम, या यूँ कह लो कि पार्टिकुलर फीड में बहुत हाई होगा, और जब बहुत हाई होगा तो इट कैन रीच बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 116 ग्राम। दूसरा है एरर, कैलकुलेशन में कई बार एरर हो जाती है। कैसे एरर हो जाती है? आपने कहा कि 4 kg यूरिया 100 kg राइस स्टॉक ले चाहिए, कई बार उसको कैलकुलेट करते करते कुछ गलत कर जाते हैं। या अभी जो कंपोजिशन बताया था 1:3 का, 15 kg यूरिया और 45 kg मोलासेस, तो वहाँ पे गलती हो गई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएडिक्वेट अडेप्टेशन पीरियड।